हेलो वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी पहले आठ पार्ट में हमने समझा सीयर फोर्स क्या है फोर्स क्या है बेंडिंग मोमेंट क्या है और पिछले जो आठ एट्थ पार्ट था वहां पे हमने बात की थी सिंपली सपोर्टेड विथ पॉइंट लोड तो आज हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल एंड यूवीएल तो लेट अस स्टार्ट विथ दी वन एग्जाम्पल पहले हम सीखेंगे किस तरह से एक्चुअली सी एयर फोर्स एंड बेनिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे फॉर द यूडीएल केस एंड देन हाउ टू अप्लाई इन दी जी और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वहां पे हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे उनकी बात भी मैं करूंगा और किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं तो लेट स्टार्ट विथ द एग्जाम्पल सो लेट इज दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड हैविंग अ फोर मीटर स्पान एंड ज्यूम दैट योर डब्ल्यू दैट इज द यू डी एल इज टेन के एन पर मीटर थ्रू आउट योर स्पान वो आपका हाफ स्पान में भी हो सकता है या फुल स्पान में भी हो सकता है सो वेरी फर्स्ट वी हैव टू कैल्क्युलेट द रि एक्शन एक्चुअली सो एज आई मेन्शन दैट इट इज थ्रू आउट द स्पान सो योर लोडिंग इज सीमेंट्रिक ऑन दी बोथ द साइड लेट दिस इज योर सेक्शन एंड मिड पॉइंट से आपका लेफ्ट साइड में इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ से आपका जो लोडिंग है वो क्या है सिमेट्रिक है दैट्स वाई योर टोटल लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी तो रिएक्शन आर ए एंड रिएक्शन आर बी विल बी इक्वल टू टोटल लोड डिवाइड बाय टू नाउ टोटल लोड हाउ टू कैलकुलेट दी लोड इन टर्म्स ऑफ पॉइंट लोड मैं आपको बताता हूं यूवीएल में भी किस तरह से हम कर सकते हैं और यहां पे यूडीएल uh, में भी किस तरह से कर सकते हैं तो यूडीएल एक्चुअली है आपका रेक्टेंगुलर टाइप का क्योंकि उनकी इंटेंसिटी क्या है सेम है थ्रू आउट ये हुआ आपका यूडीएल तो आपको पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करना है इस चीज को तो आपको बस इतना ही करना है एरिया ऑफ दिस डायग्राम दिस इज योर लेंथ एल लेट सपोज एंड एन एंटेसिटी डब्ल्यू तो आपका जो पॉइंट लोड होगा पॉइंट लोड अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इस डब्ल्यू इंटू एल को सॉरी डब्ल्यू इंटेंसिटी एंड लेंथ है इस एल तो पॉइंट लोड आपका बनेगा डब्ल्यू एल और याद रखेगा ये पॉइंट लोड ऑलवेज आपको अगर प्रोवाइड करना है तो कहाँ प्रोवाइड कर सकते हो आप सेंटर ऑफ द योर यूडीएल ओके सेंटर ऑफ द यूडीएल दैट इज एल बाय टू एंड एल बाय टू तो ये आपका पॉइंट लोड में आप कन्वर्ट कर सकते हो यूडीएल को भी इसी तरह से मैं यूएल की बात आएगी तो यूएल का किस तरह से आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हो वो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि अगर आप कोई भी लोडिंग को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना जान गए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा वो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो क्योंकि पॉइंट लोड जब भी आपके सामने आएगा तो आपके लिए आसानी होगी कैलकुलेशन करना बट जब आपके पास यूडीएल या यूवीएल होता है तब आप कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करते हो तो बिफोर यू अंडरस्टैंड दी एनी थिंग यू हाव टू जस्ट कन्वर्ट इट इन पॉइंट लोड यूडीएल हो या यूवीएल हो उनको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना सीख लीजिए और कुछ नहीं है ये लोड है लोड का सीजी जहां होगा वहीं आपका पॉइंट लोड होगा और ये रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होगा डब्ल्यू इन टू एल इतना आप याद कर लीजिए तो यहां आते हैं आप रिएक्शन होगा टोटल लोड डिवाइड बाय टू दैट इज आर ए आर बी फोर इंटू टेन डिवाइड बाई टू सो दिलोमी फाइन दूवमेंट एट विच पर्टिकुलर लोकेशन पहली बात तो ये है कहां कहां हमें मोमेंट फाइंड करनी है एक तो बात हो गई एम ए एम बी जीरो ही होगी आपके अब बात करते हैं सीयर फोर्स जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं जहां पे सीयर फोर्स आपका जीरो होता है सीयर फोर्स जीरो जहां पे भी होगा बेंडिंग मोमेंट वहीं पे आपकी क्या होगी मैक्सिमम तो पहले ये हम जान लेते हैं सीयर फोर्स हमारा जीरो कहां हो रहा है तो ये आपका रिएक्शन है मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे सीयर फोर्स डायग्राम आ, कितना है ट्वेंटी न्यूटन तो ट्वेंटी में ऊपर गया फिर यहां से यूडीएल है तो देखिए ये ट्वेंटी है और ये चार मीटर का स्पान है तो एक मीटर में कितना है टेन है तो चार मीटर में कितना डाउनवर्ड होगा वो फोर्टी टोटल फोर्टी डाउनवर्ड होगा और याद क्या सीयर फोर्स जब आप बात करते हो यूडीएल में तो इंक्लाइन होगा कुछ इस तरह से ट्राइंगुलर फॉर्म होगा आपका जो सियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो आपका कैसा होगा ट्राइंगुलर फॉर्म में होगा तो यहां देखिए ये हुआ आपका ट्वेंटी तो लेट सपोज मिड स्पान में हम देखते हैं तो मिड इज टू मीटर टेन इंटू टू दैट इज जीरो सो यहां पर ही आपका क्या होगा एक्स इक्वल टू एल बाय टू दैट इज दी सीयर फोर्स जीरो तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा जीरो ओके okay? ये प्लस नोटेशन ये माइनस नोटेशन आपको मैंने बताया था ये आपका हो सकता है प्लस और ये आपका हो सकता है माइनस फॉर दीयर फोर्स ओके okay, तो ये हो गया सीयर so, फोर्स तो हमें क्या चाहिए लेट दैट इज़ सी पॉइंट सो सी पॉइंट में आपको मोमेंट चाहिए तो so, कहा क्या कर सकते हो या तो लेफ्ट से या तो राइट right से दोनों तरफ से आप मोमेंट कंसीडर कर सकते हो तो लेट सपोज मैं स्टार्ट करता हूं फ्रॉम दी लेफ्ट साइड सो लेफ्ट साइड में आपको एक रिएक्शन मिलेगा रिएक्शन आर ए दैट इज ट्वेंटी तो रिएक्शन आर ए से ये सी पॉइंट आपका कितना दूर है टू मीटर है तो so, ट्वेंटी इंटू टू माइनस अब देखो इनकी डायरेक्शन जो थी कुछ इस तरह से थी ऊपर की तरफ आपकी मोमेंट जा रही थी और यहां से यूडीएल जो, जो आ रहा है उनकी मोमेंट होगी डाउनवर्ड तो माइनस माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बाय टू ये आपकी मोमेंट कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन होगी फॉर द यूडीएल केस तो ट्वेंटी इंटू फोर दैट इज 30 माइनस यूडीएल इज टेन 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि x की वैल्यू है आपके पास 2 तो ये वैल्यू आपको मिल गई 20 किलो न्यूटन मीटर तो हम ड्रॉ किस तरह से करेंगे पैराबोला सेव आपका बनेगा इट विल बी इन पैराबोला शेप फॉर द यूडीएल फॉर द यूडीएल और ये तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमें 20 किलो न्यूटन मीटर मिला बट अगर हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये कल कर सकते हो आप बट कोई भी कंपटीशन एग्जाम में तो ये नहीं कर सकते तो वहां पे क्या इक्वेशन होगा आपके लिए यूडीएल है तो डब्ल्यू एल स्क्ट तो लेट्स चेक करते हैं डब्ल्यू की वैल्यू टेन है एल है आपके पास फोर स्क्वेर डिवाइडेड बाय एट सो ये हुआ आपका सिक्सटीन डिवाइड बाय टू दैट इज टू एंड मल्टीप्लाई विथ टेन सो इट इज ट्वेंटी किलोमीटर इन मीटर क्लियर तो आप कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं ये डब्ल्यू एल एट आपको याद रखना होगा वो किस तरह से आता है वो मैं आपको बताता हूं यहां से आपका जो रिएक्शन आया दैट इज एक्चुअली डब्ल्यू एल बाय टू डब्ल्यू एल बाय टू उनका डिस्टेंस क्या था तो डब्ल्यू डब्ल्यू तो मेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन जो है किस तरह से आता है वो मैं आपको बता रहा हूं डब्ल्यू एल बाय टू दैट इज योर रिएक्शन आर एंड इज एल बाय टू माइनस अब यूडीएल की बात करते हैं तो यूडीएल में क्या था इक्वेशन आपका डब्ल्यू एक्सक्र बाय टू तो ये हुआ आपका डब्ल्यू एक्सक्र बाय फोर माइनस ये डब्ल्यू एक्स की वैल्यू क्या थी एल बाय टू उनका स्क्वायर डिवाइड बाय टू माइनस डब्ल्यू एल बाय इनका स्क्वायर होगा फोर टू स्क्वेयर फोर फोर एंड इट विथ टू सो इट विल बी अ एट सो एट इज योर एल सी एम नाउ डब्ल्यू एल स्क्वायर टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायेर सो दैट आंसर विल बी अ डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय एट तो इस तरह से आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलता है फॉर दूडीएल Case. तो ये आप इक्वेशन डायरेक्टली याद कर सकते हो मैंने आपको बताया किस तरह से ये इक्वेशन जनरेट होता है और सेप की बात कर लेते हैं सेप ट्राइंगल होगा अगर एसएफडी की बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की अगर बात करते हैं तो आपका सेप होगा पेराबोलिक ओके तो इतनी चीज आपको याद रखनी है फॉर द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड विथ यूवीएल यू के बदले हम बात करेंगे यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के बारे में और फिर सिंपली सपोर्ट के टोटल uh, कंडीशन में या आपके लोड कोई भी हो सकता है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर